लव जिहाद का शिकार, बेटियों पर अत्याचार, कभी बढ़ती है मर्दों में, कभी कटती है टुकड़ों में, कभी तिलक कभी कलावा, दिखावा धोखा छलावा। कभी दिल्ली कभी रायगढ़, कभी जबलपुर कभी भोपाल, लव जिहाद का जहर, शहर शहर कहर। लव जिहाद का जहर, शहर शहर कहर। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और स्वागत है आपका हमारे बेहद खास शो में। जी हां, लव जिहाद का जहर अब शहर शहर फैल रहा है। कभी महाराष्ट्र तो कभी दिल्ली से बेटियों की चीखें सुनाई पड़ती हैं, और अब तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में लव जिहाद और आतंकवाद को लेकर बनी फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर खूब चर्चा भी हुई, लेकिन लव जिहाद के जाल से बेटियां बच नहीं पा रही हैं। ताजा मामला भोपाल का है, देखिए रिपोर्ट। भोपाल के नया बसेरा इलाके में रहने वाली 19 साल की एक युवती को उसका पड़ोसी यूसुफ खान भगा कर ले गया। परिजनों का आरोप है कि यूसुफ खान ने दोस्ती की आड़ में युवती के नाम से 8 लाख रुपए का लोन ले लिया और इसकी किस्त युवती चुका रही थी। मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों का समझौता करा दिया, लेकिन यूसुफ ने युवती का पीछा नहीं छोड़ा। 11 मई को युवती अचानक यूसुफ के साथ चली गई। परेशान परिजनों ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर से वापसी की गुहार लगाई। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पुलिस की मदद से युवती को समझा बुझाकर माता पिता के पास भेजा, लेकिन 15 मई को युवती फिर यूसुफ के साथ चली गई। जबकि 30 मई को युवती का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ एक हिंदू युवक से तय था, लेकिन युवती उसके पहले ही यूसुफ के साथ चली गई। अब युवती के परिजन परेशान है। युवती के परिजनों का कहना है कि सांसद प्रज्ञा ने उनकी मदद की, लेकिन अगर वो इसे और गंभीरता से लेते हुए पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश देती तो यूसुफ ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। लड़की को दबाव डाल के है ना 15 तारीख को है ना लड़का भगा के ले गया। उसमें है ना लड़की ने है ना 70,000 रुपए कैश घर में रखे, सोने चांदी के जेवरा, जिसमें उसकी 30 तारीख की शादी थी, 30 मई की, तो वो अपने साथ भगा ले गया लड़की को। थोड़ी कार्रवाई कर देती तो शायद लड़की बच जाती, और पुलिस वाले हमें हमारी मतलब की कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। हमको बस एक ही बात कह के वहाँ से भगा दिया जाता है थाने से कि आपकी लड़की बालिग है। बस परिजन फिलहाल अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान है और पुलिस से अपनी बेटी को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। विवेक पटिया, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि संस्कारधानी जबलपुर भी लव जिहाद से अछूती नहीं है। ताजा मामला एक मुस्लिम युवक का है जो एक तलाकशुदा महिला के साथ 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा, और जब महिला ने शादी का दबाव डाला तो युवक ने उसकी बेदम पिटाई कर दी। इलाज के दौरान 3 जून को महिला की मौत हो गई और आरोपी अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। रिपोर्ट देखिए जबलपुर से। प्रेम संस्कारों के दायरे में रहे तो जीवन सवार देता है और मर्यादा से बाहर हुआ तो जिंदगी को नरक बना देता है। इसकी वानगी देखने को मिली जबलपुर में। यहाँ एक तलाकशुदा हिंदू महिला को पहले एक मुस्लिम युवक बंटू खान ने शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। खुशबू ठाकुर नाम की महिला का 4 साल पहले अपने पति से तलाक हो गया था और उसके बाद खुशबू अकेले ही रहने लगी थी। इसी दौरान खुशबू की मुलाकात बंटू खान नाम के एक युवक से हुई। जैसे ही बंटू खान को इस बात का पता चला कि खुशबू का उसके पति से तलाक हो गया है, बंटू खान ने शादी का झांसा देकर खुशबू को अपने जाल में फंसाया और फिर बीते 3 सालों से किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। इस दौरान बंटू खान ने कई मकान भी बदले, लेकिन बीती 27 मई को बंटू खान से जब शादी का दबाव खुशबू ने बनाया तो बंटू खान ने उसे बेरहमी से पीटा और गंभीर हालत में छोड़कर भाग गया। इसके बाद अस्पताल न ले जाकर बंटू खान किराए के मकान में महिला को गंभीर हालत में छोड़कर भाग निकला।
लेकिन जब सुबह बहुत देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तब मकान मालिक ने जाकर देखा और उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान खुशबू की 3 जून को मौत हो गई। हाँ, शरीर में चोटों के निशान थे, चेहरे में यहाँ पे सूजा था, यहाँ सूजा था, होंठों में सूजन थी। 2-4 दिन पहले आए थे, मतलब बड़ी मम्मी लोग का किराए से, तो वही फिर उसके बाद जानकारी मिली कि ऐसी घटना हो गई। खुशबू ठाकुर हैं, इनकी पहली शादी हुई थी, उस पति से इनका अलगाव हो गया था। पिछले 3 साल से ये किसी बंटू खान नाम के मुस्लिम व्यक्ति के साथ रह रही थी। इन्हीं के साथ कुछ डिस्प्यूट हुआ था आपस में, उसके बाद ये एडमिट हुई थी इलाज के लिए, और वो इलाज के दौरान ठीक ना होकर आज उसकी डेथ हो गई है। अब इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे समुचित धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। पुलिस ने बंटू खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लव जिहाद में फंसकर बेटियां कब तक बेमौत मरती रहेंगी। कैमरामैन सतीश सराडे के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। जबलपुर में ही अभी 3 दिन पहले लव जिहाद का एक और मामला आया था सामने, और उसके बाद वहां की सियासत भी काफी गर्मा गई थी। इसी महीने की 1 तारीख को यहां क्या हुआ था इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें एमपी के जबलपुर की हैं, जहां हिंदूवादी संगठन के लोग एक लड़की के माँ बाप के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे थे, और अब इस हंगामे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल अनामिका दुबे नाम की युवती ने अयास खान से कोर्ट मैरिज कर ली। 7 जून को दावत का कार्ड वायरल हुआ तो युवती के घर वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि शादी के कार्ड में युवती का नाम मुस्लिम धर्म के मुताबिक लिखा था, जबकि उसके नीचे पिता का नाम छपाया गया था। जिसके बाद लड़की के परिजनों ने रिश्तेदारों को ये बात बताई और फिर हिंदूवादी संगठनों के साथ शिकायत करने एसपी ऑफिस पहुंचे। युवती के माता पिता ने मैरिज रजिस्ट्रार पर गंभीर आरोप लगाए। हमारी लड़की को मुस्लिम लड़का जो कि हिंदू बन के लड़की से बात करता था, और बाद में पता चला वो मुस्लिम है और शादी कर लिया उससे, तो हम लोग को कोई जानकारी कहीं से नहीं मिली, कोई नोटिस नहीं आया हम लोग के पास, कोर्ट से भी कोई नोटिस नहीं आया। हम चाहते हैं मेरी बेटी हमको वापस मिले और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले। वही इस मामले में पुलिस का कहना है कि युवक और युवती ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट से शादी की है, जबकि युवती के परिजनों के मुताबिक युवती 4 महीने से लापता है। हिंदू संगठनों द्वारा और एक परिवार के द्वारा एक शिकायत दी गई है कि उनकी बेटी उनके हिसाब से पिछले 4 महीने से लापता थी, और उनको एक आमंत्रण पत्र के द्वारा पता चला कि उसकी किसी के साथ शादी हुई है जो अन्य संप्रदाय से बिलोंग करता है, तो इसलिए उनके द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा गया है और इस पर अभी जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर हिंदू संगठन और लड़की के परिजनों ने इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए लड़के पर कार्रवाई की मांग की, तो दूसरी ओर पुलिस नियमों का हवाला देकर जांच की खानापूर्ति में जुटी है। अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां सुरक्षित हैं, यहां भी लव जिहाद का घिनौना सच सामने आ चुका है। 8 मार्च को सिम्स अस्पताल में एक युवती की मौत हो गई थी, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ। पीड़िता ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसके आधार पर आरोपी दानिश सलाखों में पहुंच गया है, लेकिन उस पर जो धाराएं लगाई गई हैं उससे इंसाफ की आस थोड़ी धुंधली सी हो गई है। वो साल भर मुझे अपने साथ में एक संबंध बना के रखा था, लेकिन कभी मेरे साथ शादी नहीं किया। आज उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में मुझे जगह जगह से चोटे मिलते जा रही है। वो इंसान शुरू से मारता था, प्रताड़ित करता था। रायगढ़ की इस बेटी का दर्द सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। लव जिहाद ने इस मासूम की जिंदगी छीन ली, लेकिन जाते जाते उसने प्यार की आड़ में दानिश की हैवानियत को उजागर कर दिया। उसने बताया कि दैहिक शोषण के अलावा उसे नंगा कर बेल्ट से पीटा जाता था। लिव इन रिलेशन के दौरान वो गर्भवती हुई तो दानिश खान ने एबॉर्शन की दवा खिला दी, जिसकी वजह से 8 मार्च को सिम्स अस्पताल में युवती की मौत हो गई। ये मामला दबा रह जाता, लेकिन भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर इंसाफ की मांग कर दी। दानिश खान ने उसे संपर्क किया और झुठला करके, और 2020-21 में
एक बच्ची हुई, उस बच्ची को उसके मृत्यु तक का अभी तक उसे उस बच्ची से नहीं मिलाया गया। इस तरह से एक लव जिहाद का मामला स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा की भी मांग हमने पार्टी की ओर से रखने का पार्टी ने निर्णय लिया। दानिश नाम के एक मुसलमान लड़का, मुमडन लड़का, एक हिंदू परिवार की बेटी राखी को फंसाया और प्रेग्नेंट हुई तो उसके साथ अबॉर्शन का एक दवाई दिया, ओवरडोज दिया। प्रति न्याय हो ऐसा मांग हम लोगों को करना है। मुद्दा उठा तो चक्रधर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी दानिश खान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस ने ये दलील दी कि मृतिका 2019 से आरोपी दानिश खान के साथ लिव इन में रह रही थी और लव जिहाद जैसी कोई बात ही नहीं। पुलिस की जांच में जो तथ्य आए उस आधार पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद जो तथ्य आए थे तो उस तथ्यों के अनुरूप उसमें पाया गया कि गैर इरादतन हत्या हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए धारा 304 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। ऐसे केस में थोड़ी सी देरी और लापरवाही इंसाफ के बीच बड़ी खाई पैदा कर देती है। इस मामले में आरोपी दानिश खान भले ही सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन पूरा इंसाफ होना अभी बाकी है। अविनाश पाठक, IBC24, रायगढ़। और IBC24 के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC24। नमस्कार।